टुडे आज हम लोग बनाने वाले हैं ये टेबल, ठीक है। तो इस टेबल को मैंने बहुत पहले बनाया था, ठीक है, तो वैसा ही एक सिमिलर टेबल मैं बनाऊंगा यूजिंग पीवीसी पाइप, ठीक है। तो ये टेबल बनाने के लिए, ये मैंने बहुत पहले बनाया था, बहुत अच्छा होल्ड करता है, ये लगभग 80 किलो तक उठा सकता है, ये टेबल 150 किलो भी उठा सकता है, ठीक है। तो इसको मैंने वैसा टाइप बिल्डअप किया था, इसको मैं फिल्टर के लिए बनाया था इस टेबल को, ठीक है। तो वैसा ही एक सिमिलर टेबल मुझे बनाना है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा टेबल पीवीसी पाइप का तो कैसे हम लोग असेंबल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम लोगों को चाहिए, हम लोगों को एक पीवीसी पाइप चाहिए ऐसा वाला, ठीक है। ये आपका लगभग 250 रुपया में आ जाएगा पीवीसी पाइप। उसके बाद में आपको चाहिएगा, उसके बाद में आपको होल्डर चाहिएगा टी, ठीक है टी, ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ टी रहेगा, ये देखिए ये वाला, ठीक है, टी दूंगा। तो इधर में मैंने दो होल्डअप किया है, आप देख सकते हैं इसमें मैंने दो होल्डअप किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में मैं सिर्फ एक ही रखूंगा। ये टेबल था फिल्टर होल्डअप करने के लिए, जो मैं अभी तक बना नहीं पाया हूँ, ठीक है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो अभी मैं दूसरा वाला टेबल बनाऊंगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक ही लगाऊंगा मैं, ये खींचने वाला, ठीक है, दोनों को कनेक्ट करने वाला, और इधर में बीच में एक वाला पोर्शन रहेगा, ठीक है, जो असेंबल कर दूंगा मैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ 30, उसके बाद में आपको एल चाहिए होगा ऐसा, ठीक है, और आपको पाइप काटना होगा पूरा मेजरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो पाइप काटने वाला मैं आसानी से बोल दूंगा आपको कि पहले आपको क्या करना है, पहले जब आप पाइप काटेंगे, आप हेक्सो ब्लेड यूज करके पाइप काटिएगा, ठीक है। तो पहले जब आप पाइप काटेंगे तो आपको क्या करना है, इस टी को फिट कर लेना है, पहले आप इस टी को फिट कर लीजिए ठीक से, उसके बाद में आप काटिए, ठीक है, ये गया इधर तक, ठीक है, इधर में आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो इधर में काटने के बाद में क्या होगा, दूसरे में भी सेम आप ऐसे टी फिट कीजिए और दोनों का हाइट मेजरमेंट कर लीजिए, उसके बाद में आप काटिए, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आपका ये पूरा पाइप अंदर तक नहीं जाता है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो लास्ट में एडजस्ट करने से पहले ही आप ये टेक्निक यूज कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा आपको, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग काटते हैं। तो अभी हम लोग ये काट चुके हैं, ठीक है, तो वैसे ही सिमिलर टाइप अभी फिर से दूसरा वाला काटेंगे, तो सेम माप का काटना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से और एक टी लगाएंगे इसमें, ठीक है, फिर से टी लगा रहे हैं, टी लग गया टी, ठीक है, तो उसी माप में काटेंगे हम लोग। देख सकते हैं आप दोनों का हाइट सिमिलर है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दोनों काट लिया, और पहले से मैंने ये दो काट के रखा है, देख सकते हैं आप, इसको उठा लेता हूँ, ठीक है, ये वाला देख सकते हैं, ये वाला पहले ही काट के रखा है, ये दोनों साइड से, ये हो गया दोनों साइड पे, ठीक है। तो ये दोनों मैंने पहले काट के रखा है, सिमिलर प्रोसेस से ही मैंने काटा है। अभी हम लोग ये बैठाने वाले हैं, ये वाला जो बैठेगा, तो ये बैठेगा, मतलब ये फुल्ली ऐसे बैठेगा। अभी इधर से और एक होल्ड लगाना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है, उसके लिए हम लोग होल्ड लगा रहे हैं, उसके लिए फिर से पाइप काटेंगे मैं, ठीक है। मगर वो होल्ड लगाने से पहले मैं क्या करूँगा, मेजरमेंट दे दूंगा कितना तक काटना है, ठीक है। तो इसका हाइट माप लेते हैं, ये दो टी लगाने के बाद ठीक है, दो टी लगाने के बाद में कितना हाइट बचता है ये देखिए आप, ठीक है। तो इधर से कितना तक काटना है वो मापना है,
तो इसके लिए हम लोग इसको हटा देते हैं, इस एयर को हटा देते हैं। इसको एयर को हटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का कनेक्ट कर लेंगे, इन दोनों को हम लोग ग्लू से कनेक्ट कर लेंगे। ग्लू से कनेक्ट करने के बाद में उसके बाद में हम लोग काटेंगे कितना हाइट का चाहिए। इसको पाइप में कनेक्ट कर दूंगा, उसके बाद में इसका डिस्टेंस लूंगा। ये पाइप में कनेक्ट किया, इसके बाद में इन दोनों का मेजरमेंट लिया, ये डिस्टेंस इसका है, इधर मैं काटूंगा, ठीक है। उसके बाद में दोनों में हेड लगा दूंगा तो दोनों का हाइट सिमिलर हो जाएगा। तो ये ग्लू लग चुका है इसमें, ये नीचे में लगे तो दोनों का डिस्टेंस मैंने सेम रखा है, ये ऊपर में लगेगा और एक, ठीक है, ये ऊपर में लगेगा, ठीक है।
तो ये दोनों का डिस्टेंस मैंने सेम रखा है। अभी ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको मैंने चार हिस्से में भाग किया, तो ये ऊपर का हिस्सा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोग का काम ख़त्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा आलसी हूँ, मगर आप लोग और जल्दी इसे कर सकते हैं। तो ये मेरा दूसरा पार्ट है, ठीक है, ये दूसरा सेक्शन है। तो मैंने एक बार आपको लगा के दिखा दिया था, तो अभी फुल्ली मैं इसको लगा दूंगा, ग्लू अप कर दूंगा, और जितने भी सेक्शन हैं मैंने सबको काट के रख दिया है। तो अभी खाली टेबल असेंबल करना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ग्लू अप करना होगा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये जो नीचे वाला आप सेक्शन देख रहे हैं, इसको मैंने ग्लू नहीं किया, इसको मैंने हाफ इस साइड का ग्लू है, ठीक है, इस साइड का ग्लू करके रखा है। तो इसमें मैंने ग्लू नहीं किया कनेक्ट करने के लिए, तो अभी इसको ग्लू अप कर दूंगा, सब कुछ मैं ग्लू अप कर दूंगा। तो अभी इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसको कैसे सेंटर करना है, ठीक है। पहले आप देख लीजिएगा आपका पूरा ये सेंटर है कि नहीं, ठीक है। पूरा सेंटर होने के बाद में आप लोग क्या करेंगे, ये वाला जो मार्क देख रहे हैं हर किसी में रह जाता है, ये वाला मार्क देखिएगा और ये वाला मार्क देखिएगा। उसके बाद में ग्लू जब करेंगे आप, ग्लू लगाने के बाद में आप लोग ये वाला लाठी यूज़ करके इसको ऐसे घुसा के इसको इस तरफ कर सकते हैं या इस तरफ कर सकते हैं, पुल अप कर सकते हैं। इसको पूरा अलाइन कर दीजिएगा इस लाइन से, ठीक है। तो ये वाला इम्पोर्टेंट टिप है जो आपको दे सकता हूँ मैं।
नॉरिक टाइल से थोड़ा दाम ज़्यादा है, इसका दाम हो गया आपका 240 ऐसा पड़ जाएगा इस टाइल्स का, ठीक है। ये 2x2 है, इसको 2x2 बोलते हैं, यानी 2 फुट का दोनों साइड में स्क्वायर है, ठीक है। और एक टाइल्स है जो ये हो गया दूसरा टाइल्स आपका, ठीक है। तो इसका रेट थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, ये 400 का करीब आ जाता है ये टाइल्स। तो इसका खासियत क्या है कि ये नीचे की तरफ में रहता है, ये देखिए ये नीचे की तरफ अंदर तक रहता है टाइल्स पूरा फिनिश्ड, ऊपर का जो वर्निश फिनिश्ड है और इसका ज़्यादातर नहीं रहता, देख सकते हैं आप डिफरेंस, ठीक है। तो यही डिफरेंस है, ये क्वालिटी अच्छे का क्वालिटी का है, ये थोड़ा लो क्वालिटी का है, मगर दाम प्राइसेस इसका 200 रुपये ज़्यादा है, पकड़ लीजिए 150 रुपये ज़्यादा है इसका, और इसका 150 रुपये कम है, दोनों में यही है। और ये थोड़ा हैवी है, इससे ये थोड़ा लाइट है, ठीक है। तो आप को जो पसंद आया आप लोग यूज़ कर सकते हैं, या ग्रेनाइट यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, ग्रेनाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रेनाइट यूज़ करेंगे तो ये टेबल जो है वो बहुत भारी होगा, ठीक है, मगर वो होल्ड अप कर लेगा ग्रेनाइट, डोंट वरी, वो गिरेगा नहीं, ठीक है, वो ग्रेनाइट भी होल्ड कर लेगा, ठीक है। तो आप लोग अपने चार्ज के हिसाब से आप लगा सकते हैं, मैं इसको अभी फिट कर लूँगा इसमें, ठीक है। तो इसको होल्ड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मैंने बीच में अमेज़ोन से ये डायमंड कटर जो होते हैं उसको ऑर्डर दिया था, ठीक है, तो अमेज़ोन से ये ऑर्डर दिया था मैंने, इसका दाम प्राइस लगभग मैं भूल गया, बहुत पहले ऑर्डर दिया था, ठीक है। तो ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर दिया था, तो ये कटिंग के लिए है, ठीक है। तो ये सब बिट मैं स्टील के मदद से लगाऊंगा, और जब होल्ड करूंगा तो पानी छिटक छिटक के, नहीं तो ये बिट गर्म होके ख़राब हो जाता है, कटता नहीं है, ठीक है। तो इसको एंगल में रख के काटेंगे, मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है, तो वही करूँगा, इसको होल्ड करूँगा, उसके बाद में इसमें एक नट बोल्ट लगा दूँगा तो मजबूती से इसको पकड़ के रखेगा, ठीक है। तो बस इतना ही काम बाकी है, ये लगा देते हैं और हम लोग का टेबल ख़त्म, थैंक यू। तो भाई लोग हम लोग अभी इस टाइल्स को होल्ड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले मेज़र कर लीजिए कितना आपका आपका होल चाहिए उधर का, ठीक है, तो उधर के होल के हिसाब से मैं होल करूँगा, ठीक है। और होल करने के इधर में चारों तरफ का होल का मेजरमेंट सेम ही रखूँगा, ठीक है। तो अभी होल करता हूँ, कैसे होल करते हैं इस बीट को यूज़ करके, ठीक है, वो मैं दिखा दूँगा। ये डायमंड कटर है, ठीक है, इससे मार्बल ग्रेनाइट सब कुछ कट जाता है, सिर्फ याद रखिएगा कि इसमें कॉन्स्टेंटली पानी अगर आप चालू कर सकें तो इस जो बीट का है इसका लाइफ स्पैन ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो अभी चलो करते हैं, ठीक है, तो मैं इसका मेजरमेंट कर लेता हूँ। ये जगह को मैंने मार्क किया है, ठीक है, तो इस जगह को मैं होल्ड करूँगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो होल्ड करने से पहले क्या होता है, मशीन को स्लैंड करके रखिएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे करेंगे, उसके बाद में धीरे 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 आप चाहेंगे, ठीक है, सीधा होंगे, ठीक है, सबसे पहले ना। और कॉन्स्टेंटली आप क्या करेंगे, एक मग में पानी ले लीजिएगा और डालते रहिएगा। तो मैं दिखा देता हूँ, आप देखते रहिए, देख सकते हैं आप ये होल्ड हो चुका है, ठीक है, तो ऐसे करके आप होल्ड कीजिएगा, थैंक यू। तो अभी हम लोग का फाइनल टच है, ये मैंने होल्ड कर दिया है ठीक इधर से पूरा कांट तक, ठीक है। तो अभी मैं सब कनेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है, चारों तरफ। तो ये हो गया चारों तरफ का पूरा स्क्रू लगा लिया मैंने, ठीक है, नट बोल्ट, अब इसको टाइट दे देता हूँ, ठीक है, देख सकते हैं आप ये दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा पास स्किप कर रहा हूँ, जैसे ये कांट जो हो गया इसको अगर आपको सेफ्टी में रखना है, मेरे पास अभी टर्मिनेटर नहीं है तो आप टर्मिनेटर यूज़ कर लीजिएगा, उसके बाद में इसको कलर कर दीजिएगा, हो सके तो आप कलर कर सकते हैं, ठीक है, मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग कलर कर लीजिएगा, टर्मिनेटर यूज़ कर लीजिएगा, ये टर्मिनेटर से ये कांट बहुत
दिन लास्टिंग करेगा, नहीं तो ये नीचे वाला जो कार्ट है उसको चेंज करना पड़ेगा आपको बाद में, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आउटपुट। मैं नट लगा लेता हूँ, उसके बाद में मैं इसको पोंछ लेता हूँ और पूरा ठीक तरीके से आपको दिखा देंगे। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने सब कुछ फिट कर लिया है, सब नट बोल्ट सब वो कर लिया है, ठीक है। आप हो सके तो कलर कर लीजिएगा इसको, तो ऐसा लुक्स दिखेगा, ठीक है। ये इसका लुक्स है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फुल्ली टाइल्स वाला टेबल, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं ऐसा वीडियो बनाता ही रहता हूँ और भी विषय में मैं बनाता रहता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।